जय माँ कात्यायनी। मित्रों सादर नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपके सामने आपके राशि के अनुसार कौन से क्या कैसे निवेश करना चाहिए। देखिए अक्सर लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और भी प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं पैसा को और बढ़ाने के लिए। तो भाई ज्योतिष के अनुसार मेष से लेकर मेष वृष मिथुन इत्यादि राशियों को लेकर मीन राशि तक जो लोग हैं उनको क्या और कैसे निवेश करना चाहिए, किस में निवेश करना चाहिए, उसके लिए आपकी राशि क्या कहती है, आज मैं बताऊंगा कि राशि अनुसार अगर निवेश करते हैं तो धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ने लगेगा। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो ज्योतिष के अनुसार जानिए आपको किस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए और किस क्षेत्र में निवेश नहीं करना चाहिए। निवेश यदि राशि अनुसार किया जाए तो नुकसान की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नुकसान नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप तुरंत करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएगा, नहीं। उसका ग्रह और गोचर राशि के अनुसार राशि किस वस्तुओं में अच्छा संबंध रखती है उसके अनुसार अगर आप निवेश करते हैं तो आपको उसका अच्छा परिणाम कैसे मिलेगा, यहां सभी राशियों के अनुसार निवेश क्षेत्र मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ज्योतिष की पहली राशि मेष से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल देव, मंगल को पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। इसका रक्त वर्ण है यानी लाल रंग है। जमीन मकान खेती एवं उससे जुड़े उपकरणों दवाइयों के उपकरणों वाहन विक्रय खनिज कोयला में निवेश करने वाले लोगों को मंगल बहुत ही लाभ देता है। इस राशि के लोगों को किसी भी प्रकार के जोखिम केमिकल चमड़े लोहे से संबंधित कार्य में निवेश करने से बचना चाहिए। जन्म पत्रिका में मंगल चंद्र की युति हो यानी मंगल चंद्र इकट्ठे बैठे हो एक ही राशि में तो व्यक्ति अति धनवान होता है। पूर्व का निवेश अटका हो तो हर मंगलवार यानी आपने पहले कोई पैसा लगा दिया मार्केट में, कहीं भी प्रॉपर्टी में लगा दिया है और धन आपका रुक गया तो हर मंगलवार के दिन हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद दीपक का गंध अक्षत पुष्प से पूजा करके हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि वाले लोग हैं इस राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र एक चंचल ग्रह भी माना जाता है तथा चंद्रमा इस राशि में उच्च का होता है। इन लोगों को अनाज कपड़ा चांदी शक्कर चावल एवं सौंदर्य सामग्री जो भी ब्यूटी से संबंधित सामग्री होती हैं, इत्र दूध दूध से बने पदार्थ प्लास्टिक खाद्य तेल खाने वाले तेल ऑटो पार्ट्स वाहन में लगने वाली सामग्री कपड़े से संबंधित शेयर एवं रत्नों में निवेश करने से लाभ प्राप्त होता है। लेकिन जमीन खनिज कोयला रत्न सोना चांदी स्टील कोयला शिक्षण संस्थान चमड़ा लकड़ी वाहन आधुनिक यंत्र औषधियों विदेशी दवाइयां आदि में निवेश से बचना चाहिए। पूर्व का निवेश अगर अटका है, पहला पैसा आपने लगाया है और वो रुक गया है तो आपको पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रह के निमित्त घी का दीपक दान करना चाहिए और चंद्रदेव को सायंकाल के समय अर्घ देना चाहिए, इससे उस धन की आने की संभावना हो जाती है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। जिनकी मिथुन राशि है इस राशि का स्वामी बुध है। बुध चंद्र को अपना शत्रु मानता है। बुध व्यापार करने वाले लोगों को लाभ देने वाला ग्रह है। इस दिन के जातकों को सोने में निवेश लाभदायी रहता है। इसके अलावा कागज लकड़ी पीतल
गेहूं, दालें, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, तेल, सौंदर्य सामग्री, सीमेंट, खनिज पदार्थ, पशु, पूजन सामग्री, वाद्य यंत्र जो भी म्यूजिक सिस्टम होते हैं आदि का व्यापार या इन चीजों से संबंधित निवेश इनको लाभ देता है। और चांदी, शक्कर, चावल, सूखे मेवे, कांसा, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जमीन, सीमेंट, इत्र, केबल तार, वाहन, दवाइयों, पानी से संबंधित पदार्थ में निवेश करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर पहला कोई निवेश धन आपने लगाया है वो अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो सफेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। इससे उस धन के आने की संभावना बन जाती है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि वालों का स्वामी स्वयं चंद्रमा ही है। इस राशि के लोग व्यवसाय के साथ नौकरी में भी सफलता प्राप्त करते हैं। इन लोगों को चांदी, चावल, शक्कर एवं कपड़ा उत्पाद करने वाली कंपनियों के शेयर, प्लास्टिक, अनाज, लकड़ी, केबल तार, फिल्मों में, खाद्य सामग्रियों में, आधुनिक उपकरण, बच्चों के खिलौने, फाइनेंस कंपनियों में निवेश करना लाभदायी रहता है। वर्तमान में शेयर एवं बाजार में निवेश से बिल्कुल बचना चाहिए। जमीन, प्लाट, मकान, दुकान, तेल, सोना, पीतल, वाहन, दूध से बने पदार्थ, पशु, रत्न, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, औषधियों एवं विदेशी दवाई कंपनियों में निवेश सावधानी से करना चाहिए। पूर्व का निवेश अगर अटका हुआ है तो आपको श्री गणेश जी को भोग लगाएं। लगातार एक सप्ताह तक, बुधवार से शुरू करके सोमवार से भी शुरू कर सकते हैं, तो इससे आपके जो धन का अटकाव है वो आपको मिलने की संभावनाएं हो जाती है। तो मित्रों, अभी हम बात करेंगे सिंह राशि की। इस राशि का स्वामी सूर्य है, चंद्रमा इनका मित्र है। यह लोग स्वयं का कार्य या व्यापार में सफल होते हैं। सामान्यतः इन लोगों को नौकरी पसंद नहीं होती। इन्हें सोना, गेहूं, कपड़ा, औषधियों, रत्न, सौंदर्य सामग्री, इत्र, सेंट, शेयर एवं जमीन जायदाद में निवेश से इनको लाभ मिलता है। इन लोगों को तकनीकी उपकरण, वाहन, सौंदर्य सामग्री, फिल्म, प्लास्टिक, केबल तार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज, खाद्य पदार्थ यानी खाने वाली जो भी सामग्री होती हैं, लकड़ी एवं उनसे बने उपकरण सेना में सप्लाई करने में भी यह लाभ प्राप्त होता है। इस राशि के जातकों को किसी भी निवेश लाभ हानि लगभग बराबर होती है। पूर्णतः हानि से यह सदैव बचे रहते हैं। पूर्व का निवेश अगर अटका हुआ है, हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उनसे प्रार्थना करें तो वह वस्तु, वह सामग्री आने की संभावना बढ़ जाती है। अब मित्रों, बात करते हैं हम कन्या राशि की। इस एपिसोड में कन्या राशि तय करेंगे, आपको अगले एपिसोड में तुला राशि से लेकर के और मीन राशि तक बताएंगे। तो मित्रों, इस राशि का स्वामी बुध है, जो चंद्रमा से शत्रुता रखता है। इन लोगों को शिक्षण संस्थान, सोना, औषधियां, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, चमड़े से बने सामान, खेती और खेती के उपकरण के कार्य करने की सफलता प्राप्त होती है। इन चीजों में निवेश की भी लाभदायी होता है। जमीन, चांदी, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट, मशीनों का सामान, पशु एवं जल से जुड़े कार्यों में निवेश से बचना चाहिए। वर्तमान समय में शनि का अंतिम ढैया होने से शेयर एवं वादा बाजार में अच्छी सब सलाह के लिए ही निवेश करें। पूर्व में कोई निवेश उलझा हो तो श्री गणेश को लड्डू का भोग जरूर लगाएं। वैसे जो शनि की ढैया है कन्या राशि पर, वह 24 जनवरी तक ही थी, 23 तो थी, 24 से मतलब समाप्त हो चुकी है, तो इसलिए अब शनि का कोई ऐसा डर आपकी राशि पर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमस्कार। मिलता हूं आपसे अगले विषय में। और ध्यान रखें कि आप जो हमारा अगला एपिसोड है उसमें भी तुला राशि से लेकर के और मीन राशि तक बताएंगे किसमें भी किस तरह के आपको क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।